हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी आज डुगा की तरफ से आपके लिए लेकर आई हूँ। आप सभी के डाउट्स होंगे, आप सभी के मन में होगा कि कितनी कट ऑफ जाती है सीओटी एग्जाम्स की, तो और कितने ही ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीजें हैं जो जानने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ कि कैसे हमें ड्यू में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स लाने जरूरी है, क्या लास्ट ऑफ ईयर की जो गई है उससे कंपेयर करें तो इस साल कितने सीट्स अलॉट की गई हैं और क्या नहीं है, वो सब के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली। बहुत जरूरी है जो जानना है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं, आइए देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूटी 2024 की ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना जरूरी है कि कट ऑफ कितनी जाती है। दोस्तों तो सिंपल सी बात है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कट ऑफ नॉर्थ कैंपस के अकॉर्डिंग कितनी जाती है, साउथ कैंपस में कितनी है, या ऑफलाइन जो जिन्हें करनी है ऑफ कैंपस वो कितनी जाएगी, कितने मार्क्स लाने ज्यादा जरूरी है तीनों कैंपस के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ फैक्टर्स की। तो जो आपका एग्जाम लेवल होता है, जो आपका एग्जाम लेवल की हम बात कर रहे हैं, अफेक्टिंग एग्जाम लेवल और कट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कट ऑफ जाती है आपकी स्टूडेंट्स से कैसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जाती है आपकी जो फैक्टर्स है, ये दोनों इम्पेक्ट करते हैं आपके सीयूटी एग्जाम के ऊपर। पहली क्या चीज है कि आपका एग्जाम का लेवल क्या है, दूसरी बात कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेंगी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितनों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो एक आपका कहते हैं ना एक पोर्टल्स आपका एलोकेशन किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है कितने बच्चों ने सीट्स बुक करी है और कितनों को एलोकेट की गई है, तो वो इम्पोर्टेंट बहुत मैटर करता है। तो इसको हम जो जानेंगे वो आपके जानेंगे कि कितना कॉम्पिटिशन है। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो 2022 में जो रजिस्टर करी गई थी सीट्स वो कितनी रजिस्टर की गई थी, 2,17,653 आपके रजिस्टर की थी इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, बट आपने फाइनली सबमिट हुई थी सीट वो इतनी मिली थी 1,76,221। 2022 की बात हो रही है दोस्तों। पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल रिसर्च करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आपको बताई जा रही है ताकि आपको भी क्या है कंफ्यूजन ना हो और कोई डाउट ना रहे और आपको आने जो आप एग्जाम होगा उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें पहले से ही क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर 2023 की बात करते हैं तो यहाँ से 2022 से 2023 तक एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज दिखा गया था। वो चेंज क्या था, उस चेंज के बारे में देखो, पहले जो स्टूडेंट्स थे वो कितने लोग स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने किया था रजिस्टर, अब इसमें चेंजेस हुए, मतलब कि क्या हो गया कि बढ़ गए, कितना अप्रोक्स अगर आप मान ले तो 1.5 समथिंग आपका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स क्या हुआ इंक्रीज हुए। देखो आपका एग्जाम जो होगा ना, एग्जाम में आपको बता दूं कि एग्जाम आपका इजी आ जाए बट आपकी जो कट ऑफ होती है वो कभी भी आपकी इजी नहीं होती है, उसका जो एक लेवल होता है ना दोस्तों वो इंक्रीज होता है, वो लेवल को आपको ध्यान में रखना, ओके। तो 2023 में देखा गया था कि 3,04,699 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, बट सीट्स कितनी एलोकेट की गई थी वो इतनी लोगों को, इतने स्टूडेंट्स को दी गई थी, कितने आ रहे हैं आपके पास 2,45,235। ये 2023 का है, लास्ट ईयर का। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली माना जाएगा तो यहाँ पे 3 point something आपके पास 5 मान लो, इतना मान के चलो, अगर इतना भी नहीं मानोगे ये 3.5 लाख स्टूडेंट्स प्लस में भी मान के चलेंगे। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3.5 लाख स्टूडेंट्स प्लस में भी मान के चलेंगे, इतने अप्रोक्स रजिस्टर किए गए हैं, ठीक है, इतना अप्रोक्स किया गया है और इसमें से आपको 3.5 लाख में से रजिस्टर तो इतने करे गए हैं बट फाइनल सबमिट कितने आएंगे, तो अप्रोक्स इसमें से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.8 समथिंग या 3 लाख समथिंग स्टूडेंट्स को ही आपको सीट्स अलॉट की जाएगी ना। देखो एक एक क्या होता है कि आपको टोटल ओवरऑल 800 में से अगर 800 ही आ रहे हैं आपके पास, अगर 100 स्टूडेंट्स भी एग्जाम देते हैं और 100 स्टूडेंट्स भी इतने मार्क्स लेकर आ रहे हैं जितना कट ऑफ में चाहिए हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको सीट की चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, सीट आपको मिलेगी।
सीट जितने भी स्टूडेंट्स देंगे उनको मिलेगी, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे कि इतने कॉलेज में इतने कोर्स में, कोर्स भी बहुत मैटर करता है। अगर आप एक हाई लेवल के कोर्स के लिए जैसे आप जा रहे हैं SRCC में जाना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको 800 में से 750 से अबव मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, तभी आपको वहां सीट एलोकेट होगी। तो डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग, दोनों ही डिपेंड करते हैं, राइट। तो आगे अब हम बात करेंगे कि मार्क्स, अगर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, कितने मार्क्स आए गए थे इन कोर्सेज के, तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों में अगर देखा जाए मिरांडा हाउस के लिए, तो 730 सीट्स एलोकेट की गई थी, 790 पॉलिटिकल साइंस के लिए की गई थी, वहीं पे बीए ऑनर्स किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 730 सीट्स एलोकेट करी गई थी। तो आपको भी ध्यान रखना है। अगर मैं दोबारा वही बात करूं कि बीकॉम ऑनर्स करनी है SRCC से, तो 782 मार्क्स हैं, ये लाने जरूरी है, तभी आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तभी आपकी कट ऑफ जाती है। नेक्स्ट LSR की बात करते हैं, साइकोलॉजी से की गई है, तो 795 मार्क्स आपको रिक्वायरमेंट है। वहीं पे मैं BBA, BBMS, SSC, BBS की बात, BS की बात करूं, तो आपको 580 में से 620 लाने जरूरी है। क्यों लाना है? क्योंकि एक आपका लैंग्वेज का हो गया, वहीं पे आपको एक डोमेन का हो गया और 1 GT का, ये तीनों चीजें जरूरी है। तो तीनों लैंग्वेज, डोमेन एंड GT, जनरल टेस्ट, आपका तीनों चीजें उसमें कवरअप हो रही है, तो आपको लानी है। बीकॉम रामजस कॉलेज से करना चाहते हैं, बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं या कुछ भी, तो 770 लाने आउट ऑफ 800 में से तो जरूरी है, राइट। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था इतना। बीए ऑनर्स की अगर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, वहीं पे हिंदू कॉलेज से, ये तो मिरांडा से की थी तो 790 आई थी, बट वहीं हिंदू कॉलेज से करी थी, तो 795 795 800 में से लाने जरूरी है, तभी आपको ये कोर्सेज इस कॉलेज में मिले। अगर इसी कॉलेज से आपको ये कोर्सेज करने हैं, तो आपको इतनी कट ऑफ लानी जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बीए ऑनर्स, वहीं पे हिस्ट्री में हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, सेंट स्टेफेंस कॉलेज हो गया, या KMC से अगर आप करते हैं, तो वहां पे आपको कितने मार्क्स चाहिए रिक्वायरमेंट, 760 से 785 तक की रेंज बोल लो, मतलब कि इतने एवरेज मार्क्स आपको आने ही आने हैं आउट ऑफ 800। तो ओवरऑल लास्ट ईयर की कट ऑफ ये थी, ये डाटा बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल आपके लिए है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, कि आपको अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, डाउट्स रहते हैं कि कितनी कट ऑफ जाती है, कितना क्या है, तो नेक्स्ट आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है वो कितनी जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। कैंपस के अकॉर्डिंग कि नॉर्थ कैंपस में कितने मार्क्स लाने ज्यादा जरूरी है, साउथ में और ऑफ कैंपस, तीनों के बारे में बात करें तो देखते हैं। देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी नॉर्थ कैंपस में अगर देखेंगे 700 प्लस लाने जरूरी है, यहाँ पे 700 प्लस लाने जरूरी है एक लैंग्वेज का, तीन डोमेन का, वो भी अगर मैं नॉर्थ कैंपस में देखूं 800 में से, टोटल 800 आउट ऑफ 600, इसमें से 700 प्लस चाहिए आपको नॉर्थ कैंपस में, वहीं पे साउथ कैंपस में 650, ऑफ कैंपस में 450। एडमिशन सबका होता है, ऐसा नहीं है कि जो हाई लेकर आएगा बाकी बचे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होगा, होगा, बट डिपेंड करता है, अगर आपको अपना मन पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा, आपको ड्यू में एडमिशन नहीं मिल रहा जहां आप चाहते हैं, जहां से आप पढ़ाई करते हैं, जो कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इतने मार्क्स लाने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट अगर मैं वहीं पे 420 प्लस आप ला सकते हो, अगर 600 का देखेंगे तो नॉर्थ कैंपस में, वहीं साउथ कैंपस में 330 प्लस है, 250 है, 750 जो है, ये ओवरऑल इसके बारे में बात करते हैं, ये क्यों लिखा हुआ है सेपरेट मैंने एक्स्ट्रा अलग से। 750 की मैं वही में बात करूं तो दोस्तों टोटल होता है आपका 800, राइट। अब इस 800 में से 750 प्लस क्यों लाने हैं? अगर आपको एक अच्छे स्पेशल कोर्स की बात करते हैं, जैसे बीए ऑनर्स या SRCC से या हंसराज कॉलेज जैसे बड़े बड़े कॉलेज से अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है, तो वो आपको करने के लिए 750 लाना जरूरी है, जो मैंने अभी थोड़ी पहले भी आपको बात बताई है कि 750 से अबव मार्क्स लाओगे तभी आपको एक अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा 800 में से, तभी आपका मार्क्स अच्छे। तो ये CUET एग्जाम की कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, देखिए कितना कॉम्पिटिशन है, कितने स्टूडेंट्स ने आपने रजिस्टर कराया और कितने स्टूडेंट्स का रिजल्ट सबमिट हुआ है,
तो ये कंपेयरिंग आपको ध्यान देनी है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या डिपेंड करता है, क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, तो आपको ही ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ पढ़ाई भी तो करनी है आपको सीयूटी एग्जाम के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छे से करना है, बस इस कट ऑफ को इसको ध्यान में रख के। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए और भी ऐसे बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी, डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।